क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचकर 3 घटनाओं का पर्दाफाश कर दिया। साथ ही बदमाशों के पास से लूट की 4 बाइक, 4 मोबाइल समेत 2 तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हालांकि मौके से 3 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। आपको बता दें, गिरोह का सरगना जिला पंचायत सदस्य श्याम विशाल मिश्रा का बेटा आदर्श मिश्रा है। इसकी माँ गाँव की प्रधान भी है। गिरोह के 3 सदस्य फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगी है। आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने पकड़े गए आरोपितों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि खजनी, गीडा और हरपुर बुधहट इलाके में बाइक मोबाइल लूट की घटना होने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ बदमाश साइदाबाद मोड़ पर पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के सादिक परवेज, खजनी थानेदार मृत्युंजय राय, हरपुर बुधहट थाना के प्रभारी प्रवेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखते हुए ही बदमाश भागने लगे, मगर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपितों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद अन्य आरोपितों को पकड़े गए आरोपितों की पहचान हरपुर बुधहट इलाके के सिसवा सोनबरसा बाबू निवासी श्याम लाल मिश्रा, सिसवा निवासी अंकुर मिश्रा, पुत्र ऋषिकेश मिश्रा, संजय मिश्रा, पुत्र अरुण मिश्रा, बांसगांव पिपरा पितंबर निवासी भीम सिंह, पुत्र विक्रम सिंह, खजनी इलाके के घुरमुली निवासी अभिषेक उर्फ गोलू, पुत्र राम हरक शर्मा, बड़हरा निवासी सनी सिंह, पुत्र अभिमन्यु सिंह के रूप में हुई है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने फरार अभियुक्तों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सिसवा सोनबरसा निवासी रामपाल जायसवाल, खजनी के खजुरी निवासी शाहिल सिंह और सिसवा सोनबरसा निवासी विन्ने राजभर फरार हैं। इनकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, सब लोग आ गए, वो भी साथ वाले कहाँ गए? सभी नए घर का गए थे, कोई बताई जाए कहा नहीं पहले उनका लड़का है, प्रधान का बेटा था। पिछले कुछ समय पहले घटनाएं 2-3 हुई थी यहाँ पे, थाना खजनी, गीडा और हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी। उसमें हम लोगों ने तीनों घटनाओं को वर्कआउट किया है। इसमें एक गैंग हमें मिला है जो अच्छा खासा गैंग है और पिछले कई दिनों से छोटे मोटे लूट की और मोबाइल स्नेचिंग की घटनाएं करता था। उसमें हमारे जनपद में इसने 3 घटनाएं करी है, संत कबीर नगर में भी ये घटना करी है, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं अभी। ये हमारे जनपद में जो घटनाएं हुई थी वो खजनी, गीडा और हरपुर बुधहट में हुई थी। इन तीनों घटनाओं में मोटरसाइकिल छीनी गई थी और एक मोबाइल छीना गया था। तीनों घटनाओं की मोटरसाइकिल हमने बरामद करी है और मोटरसाइकिल जिस आदमी से बरामद की है उसको भी अरेस्ट किया है। मोटरसाइकिल दो मोटरसाइकिल तो इन्हीं के कब्जे से ही बरामद हुई है। हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, इनके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। 2 घटनाओं में शामिल रहे हैं मोबाइल, जो मोबाइल लूटे गए हैं। 3 मोटरसाइकिल जो लूटी गई है वो, और 1 मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसको भी कनेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, 3 लोग इस केस में वांटेड हैं। इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पिछले जो साउथ में ये हमारे एसपी दक्षिणी का एरिया पड़ता है, इसमें हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के इसमें से कुछ लोग रहने वाले हैं और हम लोग बाकी लोगों को
भी जो तीन बच्चे हुए उनको भी जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। छह लोग अरेस्ट हो गए हैं, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, ये लोग अभी हाल ही में घटनाएं करना शुरू किए थे, इससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अब हो सकता है इसके फादर क्या करते हैं इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो ये क्राइम का काम कर रहा था पिछले एक आध महीने से, इन लोगों में से कुछ लोग जनपद के जिले क्षेत्र मुख्यालय में भी आके रहे हैं कुछ समय तक, और उसका हम पता कर रहे हैं कहाँ कहाँ रह रहे थे, कौन कौन किस कौन कौन इनको शरण दिए हुए थे, ये चीज़ें पता कर रहे हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे, हरपुर बुधड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहीं पर ये लोग रहते थे।